हेलो फ्रेंड्स, मेरी चैनल कुक विद रूपल में आपका स्वागत है। रोज शाम को खाने में क्या बनाएं, ये हर घर का प्रॉब्लम होता है। तो चलिए आज देखते हैं एकदम हेल्दी स्टाइल की सब्जी जो बच्चों को और बड़ों को सबको पसंद आएगी। आज मैं स्प्राउटेड मूंग यानी कि अंकुरित मूंग की एकदम चटपटी चटाकेदार सब्जी बनाने वाली हूँ। अंकुरित मूंग आपको सब्जी वाले के यहाँ भी मिल जाएगा, पर आप घर पे भी आसानी से ये बना सकते हैं। मैंने मूंग को घर पे ही अंकुरित किया है। आप देख सकते हैं अंकुर कितने बड़े हुए हैं, बहुत अच्छे बने हैं। किसी भी अनाज को हम अंकुरित करके खाते हैं तो उसके पोषक तत्व बहुत बढ़ जाते हैं। अंकुरित अनाज डाइजेस्ट भी जल्दी हो जाता है। अनाज को अंकुरित करने से विटामिन्स और मिनरल्स का स्तर बढ़ जाता है। विटामिन ए तो डबल ही हो जाता है, विटामिन सी भी इंक्रीज हो जाता है और बी कॉम्प्लेक्स विटामिन तो 5 से 10 गुना बढ़ जाता है। इसके प्रोटीन को पचाना आसान हो जाता है और कुकिंग टाइम भी कम हो जाता है। चलिए फिर, इसके बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं, तो आज हम उसकी सब्जी ही बना लेते हैं। सब्जी बनाने के लिए 2 टमाटर को बारीक काट लिया है, 2 प्याज को भी मैंने बारीक काट लिया है, 5 से 6 कली लहसुन को दरदरा कूट लिया है, 2 से 3 हरी मिर्च को काट लिया है और कड़ी पत्ता ले लिया है। चलिए अब ये मसाले भी देख लेते हैं। 2 से 3 टीस्पून जितना बेसन लिया है, 1 टीस्पून राई और 1 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून हींग, स्वाद अनुसार नमक, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और किचन किंग मसाला लिया है। चलिए फिर आज की डिश बनाना शुरू करते हैं। अब मैं कुकर में 2 से 3 टीस्पून तेल डालूंगी। तेल अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद उसमें 1 टीस्पून राई और 1 टीस्पून जीरा डालेंगे। दोस्तों, राई और जीरे को अच्छे से तड़कने देना चाहिए, तभी सब्जी में स्वाद आता है। ये दोनों अच्छे से तड़क गए हैं। अब मैं इसमें बारीक कटी हुई प्याज डालूंगी। प्याज को 2 मिनट के लिए तेज आंच पे भूनना है। हींग डालना मैं भूल गई थी, तो इस स्टेज पे मैं हींग डाल देती हूँ। अब हम कड़ी पत्ता मिला लेंगे। कड़ी पत्ते का स्वाद इसमें बहुत अच्छा आता है। और कटी हुई मिर्ची भी डाल लेंगे। मिर्ची आप अपने हिसाब से डालिएगा। अब इन सारी चीज़ों को 2 मिनट के लिए भून लेंगे। दरदरी कूटी हुई लहसुन ली थी ना मैंने, वो अभी मैं डाल रही हूँ। लहसुन का कच्चापन चला जाए उतना हमें भूनना है। 1 से 1.5 मिनट भूनने के बाद अब मैं इसमें टमाटर मिला रही हूँ। टमाटर गल जाए अच्छे से वहाँ तक भूनना है। इस प्रोसीजर में 2 से 3 मिनट लगेंगे। टमाटर अच्छे से गल जाए इसके लिए इस स्टेज पे हम नमक मिला लेंगे। इन सभी चीज़ों की भुनाई बहुत अच्छे से करनी है, सब्जी में स्वाद तभी आएगा। प्याज, लहसुन, टमाटर सब कुछ गल गया है, अच्छे से भून गया है। इस स्टेज पे हम बेसन का आटा मिलाएंगे और उसको भी अच्छे से भूनेंगे। भुने हुए बेसन का स्वाद बहुत अच्छा आता है। बेसन कच्चा नहीं रहना चाहिए। बेसन डालने के बाद आधा मिनट भुना है। अब मैं मसाले मिलाऊंगी। ये किचन किंग मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, ये मैं मिला रही हूँ। यहाँ पे गैस की आंच को मैंने बिल्कुल धीमा कर दिया है। मसालों को भी भूनना है, मसाले भी कच्चे नहीं रहने चाहिए। मसाले जले नहीं, इसके लिए यहाँ पे मैंने पानी डाला है थोड़ा सा। अब और 1 से 1.5 ग्लास जितना पानी ऐड कर लेंगे। पानी को गर्म करके डाला है ताकि कुकिंग फास्ट हो जाए, क्योंकि अगर हम ठंडा पानी डालेंगे तो कुकिंग में देरी होगी। चलिए, ये पानी हमारा उबलने लगा है, उसके साथ साथ मसाले भी बहुत अच्छी तरह से उबल रहे हैं। मसालों का स्वाद पानी में बैठ चुका है। इस स्टेज पे हम हमारे अंकुरित किए हुए मूंग को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 300 ग्राम जितने मूंग लिए हैं। सब कुछ अच्छे से मिलाकर अब कुकर का ढक्कन बंद करके
हम उसको सीटी लगाने के लिए छोड़ देते हैं। गैस का फ्लेम यहाँ हमें 2 सीटी तक फास्ट और उसके बाद 2 सीटी के लिए धीमा रखना है। तेज आंच पे 2 सीटी हो चुकी है। अब यहाँ पे गैस का फ्लेम हम धीमा कर देते हैं। धीमी आंच पे 2 सीटी को बजने देंगे। टोटल 4 सीटी के बाद गैस की आंच को बंद करके कुकर को ठंडा होने देंगे। यहाँ पे मैंने 1 नींबू का रस ले लिया है, खूब सारा हरा धनिया काट लिया है और ये नमकीन ले लिया है जो हम नाश्ते में खाते हैं। कुकर में से प्रेशर रिलीज हो चुका है, तो चलिए इसे खोल के देख लेते हैं सब्जी कैसी बनी है। वाओ, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप देख सकते हैं सब्जी बहुत अच्छी बनी है। सब्जी में ना तो ज़्यादा सूखापन है और ना ही ज़्यादा पानी पानी है, क्योंकि हमने बेसन ऐड किया था ना, तो इस वजह से एकदम गाढ़ी ग्रेवी बनी है। अब यहाँ पे 1 नींबू का रस ऐड कर लेते हैं और खूब सारा हरा धनिया भी ऐड कर लेते हैं। धनिया का स्वाद इसमें बहुत अच्छा लगता है और धनिया हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। आँखों का तेज बढ़ता है और इसमें विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स सब कुछ होता है, तो धनिया तो हमें हर एक चीज़ में डालकर खाना ही चाहिए। चलिए अब सब्जी को परोस लेते हैं। यहाँ पे मैंने सब्जी को भाखरी के साथ परोसा है, साथ में प्याज भी रखी है। अब मैं मूंग की सब्जी पे ये नमकीन डाल रही हूँ, जिससे सब्जी का स्वाद बहुत बढ़ जाता है और सब्जी क्रंची लगती है, तो ये बहुत मज़ा आता है खाने में। ये रेसिपी बनाने में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा और ये फटाफट तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स, आज की ये मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपकी कमेंट आ गई तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिल जाएगा, तो प्लीज़ 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 आप कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर से नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।